नमस्कार दोस्तों, आईएबी न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष प्रजापति, आज हम यूपी के दौरे पर आए हुए हैं। यहाँ पर एक रैली है, हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है क्या नहीं। सपा की रैली है, आज दो दिन का इनका दौरा है, 7 जगह की रैली है इनकी, आप बताएंगे हमको। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, अपना परिचय देना चाहूँगा, आगे जारी पार्टी की जिला अध्यक्ष ब्रिजेश प्रजापति। आज रैली नहीं है, विजय रथ यात्रा लेके श्री आदरणीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी का दौरा है यहाँ पे, और 14-15-2 दिन यहाँ पे रहेंगे। 1 घंटे के अंदर में आप देखेंगे कि पूरा जौनपुर जाम हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री अभी श्री नरेंद्र मोदी जी आए थे, उनका रैली आप देख लीजिए, उनके रैली में कुर्सियाँ खाली हैं। उनके रैली में जो है पैसा देकर जनता नहीं जा रहा है, लेकिन आज ऐसी दिल लगी है अखिलेश यादव जी से कि आज उन्हें देखने के लिए और उनकी सरकार बनाने के लिए 1 घंटे के अंदर में यहाँ पे जौनपुर पूरा जाम होने वाला है। जौनपुर तो जाम हो जाएगा, लेकिन इसके विजय रथ की आपकी यात्रा का मकसद क्या है, कौन से तरीके से पब्लिक आपको वोट देगी? क्योंकि हर बार का देखा गया है पब्लिक तो भीड़ में जमा हो जाती है लेकिन वोट नहीं मिलते हैं। ईवीएम का जो घोटाला होता है, आप बोलते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी की वजह से वोट नहीं मिल पाते, उसके लिए क्या तैयारी है अखिलेश जी ने, क्या तैयारी की? इस बार ईवीएम भी बताएगा और जनता भी बताएगा, क्योंकि ईवीएम से पूरी तरह से जो है श्री आदरणीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव या जितनी भी पार्टियां हैं उसकी निगरानी रखेंगे और जनता इस बार तय करके दिखाएगी। इसलिए जुमलों वाली जो सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, वादा किए थे रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और 15-15 लाख रुपए देंगे, इसलिए बहकावे में आने वाले समय में जो बहकावे में जनता जा चुकी है, इस बार जनता विकास के नाम से वोट करेगी। तो बीजेपी का तो मुद्दा ही है विकास और हिंदुत्व, ये दो ही मुद्दे पे तो वो चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? इस बार हिंदू और मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जो है मतलब कि मंदिर और भारत माता का जय लगवा रहे हैं। इस बार सिर्फ स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पे जनता वोट देगी और 2022 में समाजवादी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बननी जा रही है। चलिए देखते हैं आपकी रैली कितने बजे और कहाँ पे है अभी। हमारी रैली आज जो है पूरे जौनपुर में है और इसके बाद पुलिस लाइन से श्री आदरणीय पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी का आगमन होगा। उस आगमन में हमारे समाजवादी के और भागीदारी संकल्प मोर्चा के और भी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, और यहाँ से पहले पहला आगमन धर्मापुर ब्लॉक में है जो विधानसभा जफराबाद में है, और यहाँ से होते हुए करंजा कला होते हुए शाहगंज के लिए निकलेंगे, प्रधान के लिए निकलेंगे, और हम लोग पूरे भव्य के साथ अपने आदरणीय जी का मान सम्मान के साथ किसी तरीके की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे, 2022 में सरकार दिखा कर जाएंगे। अखिलेश जी कहते हैं कि 403 में से 400 सीटें आएंगी, तो उन्होंने जो छोटी छोटी पार्टियों को एकत्रित किया है उसके लिए आप क्या कहते हैं, और 400 सीटें किस तरीके से आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस किस बात का? झंडा दे दो। आज जितने भी संगठन, जैसे आप बताना चाहूंगा पिछला जो चुनाव हुआ है, जो भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे दल मिलाकर सरकार बना सकती है, आज छोटे छोटे जितने भी दल थे उनको पता होगा एक ऐसी सरकारें हैं जो हमें सिर्फ जुमलेबाजी की सरकार बनाने के लिए हमें बहकाए हैं। आज पूर्व ओम प्रकाश राजभर जो कैबिनेट मंत्री थे उन्हें भी उसमें शामिल किए थे। आज जितने भी घटक दल हैं, जितनी भी पार्टियाँ हैं, पूर्व अखिलेश यादव जी के साथ इस पार्टी में समाजवादी पार्टी में गठबंधन हो रहा है, और ये पूर्व सीएम अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हमारा सरकार 2022 में बनना है और प्लस 400 से पूरा आना है, उसमें कोई रोक नहीं पाएगा। चलिए ठीक है, देखते हैं हम आगे बढ़ते हैं और आगे की रैली का जायजा लेते हैं।